चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर जैसा कि आपने पहले भी सुन रखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन है जो हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन पर कार्य करती है। कंप्यूटर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें काफ़ी स्पीड के साथ और एक्यूरेट कैलकुलेशन करके देती है, ये थकती नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हम ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्पीड है, उसकी गति जो है वो काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर की स्पीड हमारी काम करने की स्पीड की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। इसी जो इसकी फीचर है इसकी वजह से ही हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कंप्यूटर की स्पीड कम कर दी जाए तो कंप्यूटर हमारे लिए लगभग किसी काम का नहीं होगा। तो इसकी स्पीड इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, और स्पीड इसकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। हमसे कंप्यूटर की स्पीड्स को मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और हर्ट्ज में नापा जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी है एक्यूरेसी। कंप्यूटर स्पीड के काम करने के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हमें कैलकुलेट करके देता है। हम अगर कोई कैलकुलेशन खुद से करें, जैसे मैं आपको बोलूं कि 3.259 को डिवाइड करिए 2.568 से, तो आपको ये बिना मशीन के कैलकुलेट करने में, डिवाइड करने में, छोटा सा नंबर का डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करने में काफ़ी समय लग सकता है और करेक्ट डेटा मिलेगा इसकी गारंटी भी नहीं है। जबकि कंप्यूटर एक मिली सेकेंड के अंदर इस डेटा को कैलकुलेट करेगा और काफ़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको देगा। तो ये सबसे दूसरी बड़ी विशेषता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की अगली जो विशेषता है वो है इसकी मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारा डेटा आप एक साथ इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। अगली विशेषता है इसकी लार्ज कैपेसिटी, परमानेंट स्टोरेज और लार्ज कैपेसिटी इसमें है। अगर आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक आप उसे डिलीट ना करें। कंप्यूटर की छठवीं विशेषता है कि कंप्यूटर में डेटा का रिट्रीवल काफ़ी फास्ट होता है, यानी कि रैम जो है वो काफ़ी तेज़ी से आपको डेटा रिट्रीव करके आप तक पहुंचा सकता है। यानी कंप्यूटर में डेटा रखा हुआ है उसमें काफ़ी सारे डेटा में से आपका जो वांटेड डेटा है वो कलेक्ट करके, ढूंढ करके आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। कंप्यूटर की अगली जो विशेषता है, सातवीं विशेषता, वो है क्विक डिसीज़न। कंप्यूटर डिसीज़न लेने में समय नहीं लगाता, वो प्री प्रोग्राम्ड रहता है, लगभग सही डिसीज़न वो बहुत ही कम समय में ले लेता है। कंप्यूटर की अगली और आठवीं विशेषता है जो वर्सेटिलिटी, यानी कि विविधता जो है इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के काम करने के गुण होते हैं। तो इस तरीके की कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर अलग अलग तरीके के काम परफॉर्म कर सकता है। दो पैसा हम पेटेंट करेंगे।
कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इन्हें हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। उसके बाद विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड और माउस जो कि इनपुट डिवाइस हैं, और इसके अलावा अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर में कनेक्टेड हो सकती हैं। इसके लिए पेरिफेरल हमारे पास पोर्ट्स उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ हमारे पास इसके कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित डिवाइसेस भी उपलब्ध हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी, कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्ट होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज देती है और थोड़ी स्लो होती है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर में जो हिस्सा हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम फील कर सकते हैं, ऐसे पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जो लॉजिकली कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते रहता है। इसे हम टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते, केवल इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और से लेकर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये सारे की सारे हिस्से जो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। साथ ही साथ जितनी भी डिवाइसेस होती है कंप्यूटर में लगी, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अलावा भी कोई और डिवाइस जैसे टच पैड वगैरह लगा हुआ है, ये सारे हार्डवेयर में के अंतर आते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका काम करेगा
कैलकुलेशन करने का। ये तीन भागों में डिवाइडेड रहता है, MU, CU और ALU। ALU का पूरा फॉर्म है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इसका काम होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, ये पूरे सिस्टम को क्लॉक सिग्नल द्वारा कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ मेमोरी यूनिट जो है वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ये डेटा कई प्रकार के हो सकते हैं, प्री प्रोसेस्ड या पोस्ट प्रोसेस या फिर इंटरमीडिएट डेटा भी हो सकते हैं। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हम आगे और देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का काम जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना, जैसे प्लस माइनस डिवाइड इनटू या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करना होता है। जबकि कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे हमारा जो इनपुट आउटपुट से लेकर सारी सिस्टम है उसको कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। इसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है उसमें कई प्रकार की डिवाइसेस आते हैं, जैसे मॉनिटर और साथ ही साथ कीबोर्ड माउस का भी इसमें जिक्र किया गया। आजकल मॉनिटर के अलावा LCD और LED डिस्प्लेज और प्रोजेक्टर्स भी उपलब्ध हैं। इनपुट डिवाइस की बात की जाए, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस की बात की जाए, तो आउटपुट डिवाइस में बेसिकली दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पेज प्रिंटर इत्यादि। इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वैसे ही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, LCD, LED और साथ ही साथ स्पीकर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो ऑडियो सिग्नल के रूप में आउटपुट हमको देता है। इनपुट डिवाइसेस के बारे में जिक्र करें तो कई सारी इनपुट डिवाइसेस है। एक इनपुट डिवाइस जो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी जो आपके कंप्यूटर में, वो है कीबोर्ड एंड माउस। ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इनका इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी होता है और ये कम रेट में मार्केट में उपलब्ध हैं और लगभग सभी प्रकार के डेटा को आसानी से इनपुट ले लेते हैं। इसके अलावा वॉइस इनपुट डिवाइस जैसे माइक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR आदि भी आप इसमें लगा सकते हैं। आजकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस डिटेक्ट करने के लिए कैमरा आदि भी उपलब्ध है। ये सारी भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही आएंगे। चौथा पॉइंट जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी है। मेमोरी को भी हम दो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। बेसिकली मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड काफ़ी कम होती है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर उसमें जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोरेज देती है। प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सस्ती होती है। इस प्रकार से दोनों मेमोरी का मिला जुला रूप हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए प्राइमरी मेमोरी रखते हैं और डेटा की परमानेंट स्टोरेज और बड़े स्टोरेज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। जबकि रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी का यूज़ CPU के अंदर किया जाता है, जिसका काम होता है इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करना और डेटा को फास्ट तरीके से प्रोसेस करना, जबकि कैश मेमोरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सारे सेमीकंडक्टर्स मेमोरी के अंदर आते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो फिर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम दो प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। दोनों की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को काम करने के लिए। बिना हार्डवेयर के काम नहीं होता और बिना सॉफ्टवेयर के भी काम नहीं होता। एक्चुअली काम हार्डवेयर करता है, बट उसे क्या काम करना है ये सॉफ्टवेयर बताता है। तो बेसिकली हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ें टच कर सकते हैं या फिर उसे फील कर सकते हैं, वो सारे पार्ट्स जो फिज़िकल पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। जो लॉजिकल पार्ट है, जैसे प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, कई टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर्स। ये क्या काम करना है डिसाइड ये करते हैं, और काम हार्डवेयर करता है। हार्डवेयर की भी कई प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में आपने देख रखा है। और साथ ही साथ अभी तक आपने जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मेमोरी डिवाइसेस के बारे में सुना, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं।